चुके हैं और अभी इनका जो ये मान सम्मान समारोह जो है ये यहाँ बुचावास टोल से शुरू होकर इनके स्कूल तक जाएगा। हाँ जी, रंग लगा के खुशियाँ मना रहे हैं, आज मिठाइयाँ भी बटेंगी, रंग भी लगेगा, बाकी सारी चीज़ें। हम स्टेट लेवल पे गए थे, जैसे पहले नारनौल हुआ था तो उसमें फर्स्ट आए, देन फिर जोनल लेवल पे गुरुग्राम हुआ उसमें भी फर्स्ट आए, एंड अब स्टेट लेवल पे हुआ है, अब हम उस पे भी फर्स्ट आए हैं। पोजीशन ली है हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन के, इसलिए हम बहुत खुश हैं, इनको बधाई देते हैं कि आगे भी ये फिर इंडिया लेवल पर भी जाएं। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, एक मतलब एम बना के चले कि आज हम इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उससे कंटिन्यूटी से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी। जब आप पिछली बार कवरेज लेने के लिए पहुंचे थे तो मैंने कहा था भैया ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आसमान को छूना बाकी है। ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट है और अपना बेस्ट देते हैं, उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन किया है, और भविष्य में भी उनकी काम, उनकी जो आशाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित और उपस्थित हूँ NH-152D पर। आप देखेंगे यहाँ पर NH-152D के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं, बुचावास टोल है ये, और बुचावास टोल पर अभी अरावली स्कूल जो है महेंद्रगढ़, उनके विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है। यहाँ पर दो विद्यार्थी खास तौर पर हमारे साथ दिखाई पड़ रहे हैं जो बाहर से किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अव्वल आए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। और स्कूल के बच्चे तो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी बसों की लाइन यहाँ पर है और यहाँ से सम्मान समारोह इनका और पूरा रोड शो जो टाइप रहेगा इनके स्कूल तक, स्कूल के संचालक भी यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, क्या नाम हो गया आपका? कशिश। कशिश, Yes. कहाँ गए थे आप, किस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके? अभी हम स्टेट लेवल पे गए थे, जैसे पहले नारनौल हुआ था तो उसमें फर्स्ट आए, देन फिर जोनल लेवल पे गुरुग्राम हुआ उसमें भी फर्स्ट आए, एंड अब स्टेट लेवल पे हुआ है, अब हम उस पे भी फर्स्ट आए हैं। बहुत अच्छी बात है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, नारनौल में कहाँ पर हुआ था ये? नारनौल बाल भवन। बाल भवन, फिर उसके बाद गुरुग्राम बाल भवन। अच्छा, और अभी ये स्टेट लेवल का रेवाड़ी बाल भवन। कशिश, आप कहाँ से? जोक से। जोक से, अच्छा, इस तरह की प्रतियोगिता में पहले भी हिस्सा लिया आपने? हाँ लिया था, अभी इसी साल से लेने लगे हैं तो उसमें भी फर्स्ट आए हैं। अच्छा अच्छा, अपने स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है एंड स्कूल के रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं काफ़ी। क्या कहेंगे स्कूल के टीचर्स के बारे में? स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट्स जो अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाते रहते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। क्या बनना करना चाहते हैं आप? मैं NDA क्रैक करना चाहती हूँ। NDA क्रैक करना चाहती हूँ। पापा क्या करते हैं? टीचर। टीचर है। आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन, आप कहाँ से हैं? मैं अटाली महेंद्रगढ़, फिलहाल मैं माजा चुंगी पे रह रही हूँ। अच्छा, और आप पढ़ते हैं अरावली स्कूल के? हाँ बिल्कुल। तो आप दोनों का मतलब कंबाइन था ये जो टेस्ट वगैरह? हाँ, टीम। अच्छा, यहाँ आप फर्स्ट आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर ये नेशनल हाईवे के ऊपर आपका सम्मान भी हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ जी। स्कूल वालों के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत बेस्ट हैं, टीचर्स अपना सबसे बेस्ट देते हैं जी। अच्छा, क्या करना बनना चाहते हैं? मैं नीट क्रैक करना चाहती हूँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? कारपेंटर है। कारपेंटर है, तो कारपेंटर की बेटी जो है अब डॉक्टर बनेगी। हाँ, और यहाँ टीचर की बेटी यहाँ लेफ्टिनेंट बनेगी। यस, है ना, यही सपना है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, जो विद्यार्थी बहुत सारे देखते रहते हैं हमें और पेरेंट्स भी रहते हैं, कि वो किस प्रकार से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें? एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, एक मतलब एम बना के चले कि आज हम इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उससे कंटिन्यूटी से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी जी। कौन सी क्लास की छात्रा है? मैं 12th। और आप? 11th। आप 11th, 12th, आप 11th और आप 12th। अच्छा, आप लोग, आप भी यहीं से है ना? हाँ। हाँ जी, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये इन्होंने बहुत बेस्ट दिया है यहाँ पे जाके, तो हम इससे बहुत खुश हैं जी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं इनके बारे में, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, स्टेट लेवल पे इन्हें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, बधाई देना चाहती हूँ। बधाई दे दो तो फिर, देना चाहते हो तो। ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें अपना बेस्ट देती हैं। बेस्ट देते हैं जी, आप क्या कहेंगे? ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट है और अपना बेस्ट देते हैं, उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन किया है। सभी का नाम रोशन किया है जी। ये बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं और इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और स्कूल में भी हमेशा टॉप रहती है। स्कूल में भी हमेशा टॉप रहती है, और यहाँ पर एक और स्टूडेंट रह गई थी, आप क्या कहेंगे? मैं इनको, मतलब ये बेस्ट है और स्कूल में भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो इनके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये बहुत स्टेट लेवल में फर्स्ट आई, तो
बहुत अच्छा किया। तो इनको तो हमारी तरफ से बधाई, और आप भी बधाई देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल सर और टीचर्स वगैरह भी खड़े हैं, सर क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? सर मैं सभी को जो ना आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, और सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ कि हरियाणा में भी अरावली स्कूल ने अपना परचम लहराया। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तुक्का लग गया भाई नारनौल माल भवन में तो, लेकिन फिर हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स की मेहनत जो ना रंग लेके आई है जो जोनल लेवल पे, और अब जो है पूरे 12 टीम में भी फर्स्ट पोजीशन इन बच्चों ने प्राप्त की है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। यहाँ हमारे साथ कुछ है ना टीचर्स भी मौजूद हैं जी। मैम क्या कहेंगे इनके बारे में, दो लड़कियाँ जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया? हमारे बच्चों ने जो फर्स्ट पोजीशन ली है हरियाणा में, फर्स्ट पोजीशन के इसलिए हम बहुत खुश हैं, इनको बधाई देते हैं कि आगे भी ये फिर इंडिया लेवल पर भी जाएं और वहाँ भी अपना नाम और अच्छा आगे लेके आएँ, हम वहाँ भी फर्स्ट पोजीशन लेंगे। स्कूल में कैसा व्यवहार इन लोगों? काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट जिनको बोलते हैं वो हैं, क्रीम बच्चे हमारे हैं ये दोनों ही जो स्टूडेंट हैं। ये जीके में तो ये मानो कि ये प्रेयर में हो या फिर क्लास में हो, हर जगह इनका परचम ही रहता है हमेशा, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये हमारे। तो रंग लगाकर खुशियां मना रहे हैं आप लोग? हाँ जी, रंग लगा के खुशियां मना रहे हैं, आज मिठाइयाँ भी बटेंगी, रंग भी लगेगा, बाकी सारी चीज़ें। जी मैडम आप क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि इन बच्चों को देख के बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इनसे थोड़ा मोटिवेट हो, और वो भी मतलब कोई भी आगे जब कंपटीशन वगैरह उसके लिए मतलब आगे जाए। जी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर स्वागत आपके इंडिया न्यूज़। नमस्ते सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, और जी कौशिक जी आप समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी सर बताएं आज ये उपलब्धि हासिल की है इसके बारे में। देखो अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे पढ़ाई में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, हर जगह ब्रिलियंट हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, अभी पीछे जो गुड़िया अभी प्लस वन में है उसके टेंथ की बात करते हैं तो 3 सब्जेक्ट में 100/100 है उसके, ठीक है। तो बच्चे स्टार्टिंग से ही, जब से हमने स्कूल की नींव रखी, ये बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हमने इनका बेस बड़ा मजबूत तैयार किया है। जब आप पिछली बार कवरेज लेने के लिए पहुँचे थे तो मैंने कहा था भैया ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आसमान को छूना बाकी है, और आज हमने उस चीज़ को कवर करके दिखाया, आने वाले टाइम में आप इससे भी बेहतर रिजल्ट देखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपका काफिला शुरू हो चुका है और बच्चे जो हैं कैंपर में बैठ चुके हैं, और अभी इनका जो ये मान सम्मान समारोह जो है ये यहाँ बुचावास टोल से शुरू होकर इनके स्कूल तक जाएगा, और विनिंग साइन ये दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों आप देखें कि किस प्रकार से ना बच्चों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी पूरी जो स्कूल की बसें हैं वो भी यहाँ जा रही हैं। हाँ जी अशोक सर क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? नमस्कार जी, क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? ये तो आप ही देखो जी, मेरे को तो क्या कहना है आपके सामने है सब कुछ, जो भी कुछ है आपको पता है। ये बाल भवन की तरफ से नारनौल में भी फर्स्ट रहे थे और उसके बाद में जोनल लेवल पे भी फर्स्ट रहे ये गुड़गांव में, अब तीसरा स्टेज था ये हरियाणा में, हरियाणा में पूरे हरियाणा में सभी स्कूलों में पूरे हरियाणा में फर्स्ट रहा है। उसके बावजूद भी दो टीम में बराबर उस पर खड़ी थी, एक पलवल की थी एक हमारी थी। अच्छा। उसमें भी फिर इन दोनों का हुआ, दोनों का कंप्यूटर, उसमें भी हमारी फर्स्ट आई पूरे हरियाणा में फर्स्ट। इसके लिए मैं सभी अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूँ, और भविष्य में भी उनकी काम, उनकी जो आशाएं हैं उनको पर खरा उतरूंगा। क्या बात है। तो आज सारी बसें, सारे बच्चे यहाँ पर आ रखे हैं, ये बच्चों की इच्छा थी जी, बोले सर इस जुलूस में हम भी शामिल होंगे और इसके लिए होना भी चाहिए। तब मैंने ये आज छुट्टी भी का टाइम हो रहा था आपको पता था, फिर भी इन बच्चों की भावनाओं को देखते हुए मैंने इसको भी परमिशन दे दी, भाई चलो आपकी इच्छा है तो आप ये करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो यहाँ NH 152D बुच्चावास टोल के ऊपर बच्चों का जो ये काफिला है, अरावली स्कूल का ये जो काफिला है ये चल चुका है, और आप देखेंगे तस्वीरों में साफ कि किस प्रकार से यहाँ पर बसों की लाइन लग रही है, और सारे के सारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो अभी जा रहे हैं महेंद्रगढ़ के अंदर जो अरावली स्कूल है वहाँ पर। बाकी आपको एक कवरेज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और बहुत सारे अन्य जो विद्यार्थी हैं वो जागरूक हो सके, इंस्पायर हो सके, अपनी मेहनत बढ़ा सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।